रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? आपका ये भी सवाल आता है कि कब होगा, पहले एनटीपीसी होगा या ग्रुप डी होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही नोटिस आ रहा है कि कितने लोगों ने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ऑफिशियल डाटा आ गया है, प्लस में एग्ज़ाम को कैसे तेजी किया गया है, इसके बारे में आरआरबी ने डिटेल दे दिया है। लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा छोटा करके डिटेल में फिर बाद में बात करेंगे। यहाँ केवल एनटीपीसी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। जैसा प्लानिंग पहले चल रहा था, अगर उसके अनुसार से हुआ तो 27 दिन में, अगर नए अनुसार से हुआ तो ये 27 दिन से भी कम में समाप्त हो जाएगा। उसी तरह ग्रुप डी का एग्जाम कहें तो 25 दिन में समाप्त हो जाएगा, या इससे नए वाले नियम में करेगा तो बहुत कम हो जाएगा, ऐसा रेलवे ने अपनी मीटिंग में बताया है। तो अभी फिलहाल डाटा पे हम केवल बात कर लेते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का, इसमें एलपी का भी है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा सारा डिटेल है। और जो लोग आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देख के बताते थे, सबकी डाटा फेल हो गई है, कोई 90% भी सही नहीं हुआ है कि इतने लोगों ने अप्लाई किया था, क्या कंडीशन था। तो चलिए इसको डाटा को पहले देख लेते हैं, क्या है डाटा डिटेल। तो ये आया है रेलवे के वेबसाइट पे, और रेलवे का कहिए एकदम डायरेक्ट से कि रेलवे का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तीनों के द्वारा ये मीटिंग किया गया है। मीटिंग फॉर एग्जाम कंडक्ट एजेंसी फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसका एक ही मकसद है कि फास्ट प्रोसेस को करना है, सिक्योरिटी के साथ करना है, कैमरा के साथ करना है, अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, बस इसी का मकसद है। लेकिन इस वीडियो का हमारा एक ही मकसद था कि इस ऑफिशियल नोटिस में एक चीज़ डाटा जो दिया हुआ है, इस डाटा को हम डिस्कस कर लेते हैं। आरआरबी बोला है कि जो सेंट्रलाइज्ड नोटिस 1/18 था, सेंट्रलाइज्ड नोटिस 2/18 था, 3/18 था, 1/19 एनटीपीसी था, इसके बाद 2/19 आपका मिनिस्ट्रियल वाला जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद 3/19 आपका वो वाला है जो मिनिस्ट्रियल वाला है, ये पैरामेडिकल पोस्ट का है, और यहाँ पे देखिएगा ग्रुप डी वाला है जिसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो हम बाकी का ये प्रोसेस हम छोड़ देते हैं, केवल बात कर लेते हैं यहाँ पे एनटीपीसी और ग्रुप डी का। तो एनटीपीसी का हाईलाइट कर लेते हैं हम यहाँ पे, एनटीपीसी यहाँ है और ग्रुप डी यहाँ है। टोटल वैकेंसी 35,208 है एनटीपीसी का, और ग्रुप डी का 1,03,769 है। इसके लिए देखिए ऑफिशियल डाटा आया है, 1,26,30,885 लोगों ने अप्लाई किया है एनटीपीसी के लिए, और आपका ग्रुप डी के लिए 1,15,67,248 अप्लाई किए हैं। अब दोनों डाटा का एनालिसिस कर लीजिए, कैसे हम एनालिसिस करें वो सिखा देते हैं आपको। तो दोनों को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसी डाटा को हम एक शीट पे लेके आते हैं, आपको समझाते हैं। अब कहता है कि आरआरबी ने बोला है कि मैक्सिमम, एक बार और दिखा दे आपको, आरआरबी ने बोला है कि अपने हमने जो पुराना शेड्यूल था उसमें मैक्सिमम पर शिफ्ट कितने लोगों का एग्ज़ाम लिया है, तो 1,64,26 को ग्रुप डी में, और 1,62,000 आपका उससे ज़्यादा एलपी और टेक्नीशियन वाले वैकेंसी में। तो हम मान ले 1,60,000 तो ले ही सकता है, इससे ज़्यादा ही लेगा, क्योंकि अब नया इन्होंने बोला है कि फास्ट करना है, बिगेस्ट एप्लीकेशन करना है, इसलिए। अब ये सारी एप्लीकेशन को देख लेते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं एनटीपीसी का। एनटीपीसी का एग्ज़ाम के बारे में बात कीजिएगा, तो एनटीपीसी के कितने फॉर्म भरे थे, 1,26,30,885 कैंडिडेट है, और रेलवे कहता है कि 1,60,000 कैंडिडेट को हम कितने दिनों में ले सकते हैं, एग्ज़ाम ले सकते हैं, 1,60,000 को ले सकते हैं पर शिफ्ट में। अगर इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आता है आपका 78 शिफ्ट होगा जो एग्ज़ाम होगा, और कह दे एक दिन में 3 शिफ्ट होता है तो पूरी एग्ज़ाम कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, 26 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, और कह दीजिए 26 पॉइंट के आसपास आएगा, यानी 27 दिन में मैक्सिमम समाप्त हो जा सकता है, किसके ओल्ड शेड्यूल में। अगर जल्दी किया आरआरबी तो हो सकता है 20 डे में भी इसको समाप्त कर देगा। उसके बाद दूसरी की बात किए, ग्रुप डी की बात करें, तो ग्रुप डी में टोटल कैंडिडेट 1,15,67,248 हैं। अब इसको डाटा से ही अगर उतना ही कैंडिडेट मान लीजिए 1,60,000 से ही एग्ज़ाम देंगे पर डे पर शिफ्ट में,
तो कितना आएगा, ये आएगा 73 डे। 73 डे को हम अगर पर शिफ्ट में तीन के टर्म में कर दें, एक दिन में तीन शिफ्ट, तो टोटल हो जाता है 25 डे, यानी 25 डे या इससे कम भी 20 या 15 डे में भी समाप्त हो सकता है जब नया इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम का होगा। हम मैक्सिमम ही मान लेते हैं 27 डे और 25 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब लोगों का सवाल ये आता है कि एनटीपीसी का पहले होगा ग्रुप डी का होगा, तो दोस्त ये हम नहीं बता सकते, और हम तो आपको शुरू से ही कहते आए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर विश्वास करते हैं, न्यूज़पेपर में डेली एडमिट कार्ड एनटीपीसी का आता है, आप उसी को दिखा के लोग बोलेंगे कि यहाँ बोला गया है कि ये हो रहा है, तो बिल्कुल फैक्टफुल नहीं है। कल आपने देखा था आरआरबी पे नोटिस भी आया था कि जब तक आरआरबी की वेबसाइट पे नहीं आए तो किसी को आप वैलिड नहीं मानिए। अगर किसी को अपनी वीडियो चलानी है, चैनल चलानी है, अलग बात है, वो स्वतंत्र है हर लोग, लेकिन जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता अभी कमेंट करने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि जो शेड्यूल था वो बहुत डिले हो चुका है, तो डिले हो गया इसलिए मीटिंग हुई है, और मीटिंग में उम्मीद है कि जल्दी ही आरआरबी के वेबसाइट पे आपको डिटेल मिलेगा। तो यहाँ आप हम ये लेके चलते हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम 27 दिन से पहले और ग्रुप डी का 25 दिन से पहले, और रेलवे के लिए अब जो हमारा जेई सीबीटी 2 वाला जो कैंसिल एग्ज़ाम है उसके बाद खाली मैदान है। तो कह सकते हैं आपके पास अक्टूबर में कुछ न्यूज आएगा, और अक्टूबर से पहले न्यूज आएगा, अक्टूबर में एग्ज़ाम या तो ग्रुप डी का या एनटीपीसी का किसी का भी संभव है, जैसा कि अभी रेलवे ने कह रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।